बजरंग सेना ने निकाली रीवा में भगवा रैली। रीवा में बजरंग सेना द्वारा निकाली गई भगवा रैली। बजरंग सेना के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि बजरंग सेना द्वारा 1100 हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ पद्मधर पार्क में किया गया एवं बजरंग सेना भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने एवं जन संशोधन लाने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में आज विवेकानंद पार्क से भगवा रैली भी निकाली गई, जो शिल्पी प्लाजा होते हुए सीधे पद्मधर पार्क पहुंची। रैली में सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। आज यहाँ रीवा में 1100 हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ है और कार्यकर्ता सम्मेलन है। बजरंग सेना लगातार देश को अखंड हिंदू राष्ट्र घोषित करने, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। उसी के संबंध में आज यहाँ रीवा में ये कार्यक्रम रखा गया। भगवा रैली भी निकाली जाएगी यहाँ विवेकानंद पार्क से और हमारे रीवा की संगठन प्रभारी रामशंकर मिश्रा जी हमारे सभी मेरे भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो भी भाई इस रैली में शामिल हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि देश में युवाओं को सही मार्ग पर ले जाने के लिए आज बजरंग सेना जो कार्य कर रही है, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग बजरंग सेना से जुड़कर और देश के जो हित के मुद्दे हैं उनके लिए लड़ाई करें और आगे ऐसे ही। कार्यक्रम कहाँ पर है कार्यक्रम कार्यक्रम पार्क में है काले चौराहा होते हुए कोरोना वायरस नगर निगम की सफाई कर्मी थी, इन्हें अनदेखा किया गया था। राज्य अध्यक्ष महोदय, राज्य सचिव महोदय, महोदय के हाथों से उन्हें सम्मान किया जाए। ये कार्यक्रम है, आप लोगों से अनुरोध है